जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। IBPS क्लर्क XII रिक्रूटमेंट 2022 के लिए यहाँ पर पोस्ट जारी कर दिया गया है। आखिर अगर पोस्ट अपडेट की बात करें तो 30 जून 2022 को इनके द्वारा पोस्ट अपडेट कर दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट रूप से मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल XII को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करेंगे जो भी IBPS इसके अंतर्गत पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको IBPS कहा जाता है, इसके अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट जारी कर जाए। आखिर कितनी वैकेंसी है, कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में मैं आपको IBPS का, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का जो सिलेबस है वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जो भी जानने के लिए आपके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो एप्लीकेशन बिगेन, आप 1 जुलाई 2022 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसका 21 जुलाई 2022 को, और लास्ट डेट पे एग्जामिनेशन फीस है 21 जुलाई 2022, जो इसके अंतर्गत पे है। PET जो ट्रेनिंग होगा आपका अगस्त 2022 के अंतर्गत हो जाएगा। ऑनलाइन जो आपका प्री एग्जाम डेट है वो सितंबर 2022 तक हो जाएगा, और प्री जो एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा, और जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। प्री एग्जाम आपका कब होना है, 2022 के अंतर्गत पे, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पे जो मेन एग्जाम है अक्टूबर 2022 के अंतर्गत पे हो जाएगा, और मेन जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है तब आपका अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी केवल फॉर्म की वैकेंसी है, कब प्री एग्जाम होगा, कब मेन्स एग्जाम होगा, ये बता दिया गया। अब इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। जनरल OBC और EWS जो होता है, और उनके लिए कितना है, 850 रुपये हो गया। जनरल कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 850 रुपये। शेड्यूल कास्ट ST SC और ST और फिजिकल हैंडकैप के लिए कितना है, 175 रुपये। यदि आप सेल्फ फॉर्म भर रहे तो अपने डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, फीस को पेमेंट कर सकते हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है IBPS के अंतर्गत पे एज लिमिट की, आपका मिनिमम एज लिमिट 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट की गणना कब की जाएगी, 1/7/2022 के बेस से किया जाएगा। मतलब 1 जुलाई 2022 को आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत पे जो IBPS क्लर्क 12 के लिए है वैकेंसी है, इसके अंतर्गत पे डिटेल की बात करें तो टोटल 6500 पोस्टें दी गई है इसी के अंतर्गत पे, जिसे टेंटेटिव यहाँ पर लिखा गया। कितना है, 6500 से प्लस वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत पर IBPS की है। अब आपके लिए क्वालिफिकेशन जानने के लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता, आखिर इसके अंतर्गत पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पर, ठीक है ना। देखिए अभी तो इसका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन अप्लाई आप क्या कर सकते हैं, 1 जुलाई 2022 से कर सकते हैं, अभी इसका पोर्टल शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। 30 जून 2022 को आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसी के अंतर्गत पर हम बात करते हैं डाउनलोड जो कह रहा है सिलेबस और पैटर्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए आखिर इसका सिलेबस क्या है वो चीज़, ठीक है। PDF बेस के अंतर्गत पर इनके द्वारा प्री और मेंस के बेस के अंतर्गत पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वो एक बार शॉर्ट रूप से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंतर्गत पे प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होता है, प्री एग्जाम होता है, तो उसके अंतर्गत पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, और 20 मिनट में आपको उसको सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल जो एबिलिटीज है वो आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मिनट के अंतर्गत पे, 20 मिनट में आपको इसको भी सॉल्व करना है। आगे बात करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी होगी, 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 35 मिनट के अंतर्गत पे, 20 मिनट के बेस पे। टोटल बात करें तो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, अगर टोटल टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट के अंतर्गत पर आपको 100 क्वेश्चन है सॉल्व करनी है, और 100 मार्क्स का आपका क्या होगा, सारे क्वेश्चन होंगे, जिसके अंतर्गत तो मैंने बता दिया कि प्री के अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन पूछने, तो कितने हो गए 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के 20 मिनट में आपको सॉल्व करने। वैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 जो 35 क्वेश्चन है तो 35 मिनट 35 मिनट में आपको सॉल्व करना है, और 20 मिनट 20 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व इसको करना है, ठीक है, सॉरी 35 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग एबिलिटी के अंतर्गत पर 35 क्वेश्चन होंगे, और उसको आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत पर 35 मार्क्स का होगा और 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। इंग्लिश न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी आपको पूछा जाएगा, GS इसके अंतर्गत पे नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत पे।
अब मेंस एग्जाम के अंतर्गत पे बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे मांगा गया है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, जीएस के बेस से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर टोटल अगर क्वेश्चनों की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का और 35 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो जनरल इंग्लिश हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का 35 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर देगा तथा कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड कर देगा और 50 क्वेश्चन होंगे आपको 60 मार्क्स का 45 मिनट के अंतर्गत पे आपको इसको सॉल्व करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसके अंतर्गत पे मैथ्स से संबंधित क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित रिलेट कर देगा 50 क्वेश्चन और आपको कितने मिनट में सॉल्व करने हैं 50 मार्क्स का होगा 45 मिनट के अंतर्गत पे सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल लगभग 50 क्वेश्चन ही हो गए, 50 क्वेश्चन ही हो गए तो 150 ही हो गया। और 40 क्वेश्चन की बात करें तो 190 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, 200 मार्क्स का आपका होगा, 160 मिनट के अंतर्गत पर आपको क्या करनी है सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए कितने के अंतर्गत पे आपको दिया जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 160 मिनट टोटल यहाँ पर टाइमिंग दी गई है, मतलब 60 मिनट का अगर एवरेज ले तो 60 दुना 120 हो गया, 120 प्लस उसके बाद में 40 कितना हो गया 60 हो गया, मतलब 2 घंटा 40 मिनट के अंतर्गत पर आपको 190 क्वेश्चन सॉल्व करने और 200 मार्क्स का आपका मेंस के अंतर्गत पे एग्जाम होगा। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद में आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, जो IBPS बैंक के अंतर्गत 6500 से प्लस की वैकेंसी जारी कर दी गई है, कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? 1 जुलाई से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जुलाई के अंतर्गत पे इसका लगभग सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत पे प्री और मेंस एग्जाम हो जाएगा। आप प्रिपरेशन करिएगा, वैकेंसी डिटेल बता दिया, फॉर्म फीस बता दिया, एज लिमिट के बारे में बता दिया और सिलेबस किस रूप से एग्जामिनर आपको पूछेगा, तो ये पूरा इसके अंतर्गत पे मैंने आपको शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश कर दिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे और कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी या कोई और इन्फॉर्मेशन होगा तो उस वीडियो के अंतर्गत हम आपको शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम वीडियो समाप्त करें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वापस सब्सक्राइब